2022 को लेकर अखिलेश यादव ने चला बड़ा दांव। अखिलेश यादव की इस चाल की काट ढूंढना मुश्किल। केशव देव मौर्य के साथ अखिलेश ने खेली बड़ी बाजी। अखिलेश यादव के दांव से बैकफुट पर जा सकती है बीजेपी। एक के बाद एक बड़े वादे भी अखिलेश यादव ने किए। देखिए आखिर क्या अखिलेश यादव ने चला है दांव। देखिए क्या है अखिलेश यादव की बड़ी सियासी चाल। देखिए केशव देव मौर्य कैसे दिला सकते हैं सपा को बढ़त। अखिलेश यादव की चाल से क्या है बीजेपी को खतरा। उत्तर प्रदेश की सियासत में आज पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने एक बड़ा दांव चला और अखिलेश यादव के दांव से सत्ताधारी पार्टी के साथ साथ अन्य विरोधी दल भी सन्न रह गए। हालांकि जो दांव अखिलेश यादव ने चला है उस पर तमाम दल हो हल्ला कर रहे थे, लेकिन अखिलेश यादव सबसे दो कदम आगे निकल गए, ये किसी ने भी नहीं सोचा था। और अखिलेश यादव की चाल से अब विरोधी दलों को अपनी स्थिति कमजोर दिखाई दे रही है, क्योंकि विरोधी दलों ने हो हल्ला कर माहौल तैयार किया था लेकिन उसका फायदा नहीं उठा पाए। वहीं अखिलेश यादव की चाल से बीजेपी खेमे में भी सनसनी का माहौल देखने को मिल रहा है। बीजेपी खेमे को समझ नहीं आ रहा कि आखिर अब कौन सा कार्ड ढूंढा जाए। दरअसल उत्तर प्रदेश के जातिगत जनगणना और कोरोना काल में हुई मौतों को लेकर लंबे अरसे से बहस चल रही है, लेकिन मामले पर अब अखिलेश यादव दो कदम आगे निकले हैं और उन्होंने वादा किया है कि उनकी सरकार बनते ही सबसे पहले कोरोना काल में हुई मौतों की जांच करवाई जाएगी। साथ ही जो दोषी पाया जाएगा उसको सजा दी जाएगी और जो लोग पीड़ित हैं उनकी आर्थिक मदद की जाएगी। साथ ही जातिगत जनगणना को लेकर भी एक बड़ा ऐलान अखिलेश यादव ने कर दिया। महान दल के प्रमुख केशव देव मौर्य के साथ पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने कार्यकर्ता सम्मेलन में शिरकत की और कहा कि विधानसभा चुनाव 2022 में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और महान दल की सरकार बनने जा रही है। हमारी सरकार बनने पर प्रदेश में सबसे पहले जातीय जनगणना करवाई जाएगी। अखिलेश यादव ने ये भी कहा कि हमारी सरकार बनी तो प्रदेश में कोरोना काल में हुई मौतों की भी जांच करवाई जाएगी। कोरोना से जान गंवाने वाले लोगों के आश्रितों की सरकार मदद भी करेगी। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के प्रदेश कार्यालय लखनऊ में महान दल के कार्यकर्ता सम्मेलन को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर अखिलेश यादव ने कहा कि जातीय जनगणना के लिए सिर्फ 100 या 200 टेलीफोन लाइनें लगानी होंगी। इसके बाद लोगों को फोन करके उनसे उनकी जाति के आधार पर नंबर दबाने के लिए कहा जाएगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी खुद को पिछड़ों का हमदर्द बताती है, लेकिन इसकी हकीकत अलग है। असलियत में उसने पिछड़ों का हक मारा है। विधानसभा चुनाव में बीजेपी को वोट की असली लाठी दलित और पिछड़े मारेंगे, जिनका हक और सम्मान बीजेपी ने छीन लिया है। अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर जुबानी हमला करते हुए कहा कि योगी वो होता है जो दूसरों का दर्द समझता है, लेकिन मुख्यमंत्री ठोक देंगे जैसी असंसदीय भाषा का प्रयोग करते हैं। उन्होंने कहा कि हमारी असली लड़ाई है कि उत्तर प्रदेश विकास के रास्ते पर जाए। अगर उत्तर प्रदेश विकास के रास्ते पर जाएगा तो सभी के भाग्य खुलेंगे। योगी आदित्यनाथ तो प्रदेश के पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने विकास को रोक दिया। महान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष केशव देव मौर्य ने इस मौके पर कहा कि हम बीजेपी को रोकने के लिए महान दल का समाजवादी पार्टी में विलय भी कर सकते हैं। इसके लिए हम हर विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी के 15 से 20 हजार वोट काटेंगे और समाजवादी पार्टी को इतने वोट दिलवाएंगे। उन्होंने विकास दुबे एनकाउंटर को लेकर सरकार पर हमला किया और कहा कि असली आपराधिक गुंडे नहीं खद्दर पहनने वाले नेता हैं। प्रदेश में कोरोना के नाम पर दो तरह की बातें होने की उन्होंने बात कही। बीजेपी और उनकी सरकारों को कोरोना सिर्फ विपक्षियों के कार्यक्रमों में दिखता है। मोदी योगी की सभाओं और अपने कार्यक्रमों में बिल्कुल भी कोरोना नहीं दिखाई देता। केशव देव मौर्य और अखिलेश यादव ने जो चाल चली है उससे अब सियासी तपिश और बढ़ती दिख रही है। देखना ये है कि अखिलेश यादव को इसका कितना फायदा मिलता है और कैसे अखिलेश यादव अगले चुनाव में इसका माइलेज लेते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।